अज असी मौजूद हाँ दुनिया के अपनी एक वक्री पहचान रखने वाला पटियाला रजिंद्रा जिमखाना महाराणी क्लब। देखो क्लब की हर साल इलेक्शन होंगी तो बड़ी ही शिद्दत नाल कंटेस्ट होंगी तो ग्रुप्स जोड़े हैं वो एक दूजे के उत्ते चार्जस काउंटर चार्जस तो क्लब का जो माहौल होंगे जो कि फ्रेंडशिप का गुडविल का माहौल है वो अफेक्ट हो रहा है। ग्रुप तो बने भी कुछ मैंबर के करप्शन के भी आरोप लगे कुछ वाइन में लैके भी जोड़े बने उस तो अलावा जोड़ा एक डेमोक्रेसी उसका कानून होने का भी कुछ इल्जाम लगे थे उपर जी वाइन की विस्की की बार की जो एक्विजिशन वो पूरी एक इनकुआरी कमेटी बनी उसने इनकुआरी कमेटी ने बड़ा क्लीयर वर्डिक्ट दिता कि उस कोई सच्चाई नहीं। डेमोक्रेसी तो इलेक्शन हो रही है तो डेमोक्रेसी किमें खत्म होगी? अलायंस ज अगर दो बंदे अलायंस करके इलेक्शन कट्ठे होकर लड़ना चाहते हैं तो वो डेमोक्रेसी खत्म तो नहीं होती। चार सीटा तो यूनैनिमिटी होगी, यूनैनिमिटी भी इज ऑलसो अ पार्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। एक साइड तो एक सीट तो एक बंदा खड़ गया दूजे पास कोई नहीं खड़िया तो फिर दैट इज़ ऑलसो एन इलेक्शन प्रोसेस। जो भी कितने इलेक्शन होंगी है ना जी इनिशियली ग्रुपिज्म हो ही जाती है। उसका रीज़न है कि इलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ ऐसी चीज़ है कि तुसी अपने दोस्तों ग्रुप करते हो फिर उन्होंने दोस्तों के दोस्त ग्रुप होंगे हो तो एक ग्रुप इधर बन जाता है दूजा ग्रुप इधर बन जाता है। क्लब की एक दुनिया के एक वक्री पहचान है रॉयल बंदे चंगी फैमिली के चंगे अक्षर वाले क्लब के मैंबर है तो पिछले ग्रुपिज्म होने कारण क्लब की कितने ना कि छवि खराब हो रही थी। तुहाडे चंगे मैंबरों की सोच सदका जिहड़ा ग्रुपिज्म खत्म किया तो एक फ्रेंड क्लब बनाया जिहदी अगवाई दे विच हुण चोणां हो रही हैं अगली बारी वो रिपीट ना होवे ते जे वो रिपीट नहीं होंदी तो नैचुरली नवे बंदे आणगे ठीक है ना। सो एक साल का गैप हर एक इलेक्शन दे विच होना चाहिए। क्लब की इलेक्शन एक माइलस्टोन है क्लब की हिस्ट्री क्योंकि पहली बारी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त इकट्ठे एक मंच पर आए हैं जिन्होंने असं फ्रेंडशिप ग्रुप कहते हैं थोड़ा छिटाकशी कुछ ज़्यादा सगा तो सारे असी पुराने मैंबर्स ने सोचा कि इनू एक बारी फॉर ऑल टाइम्स टू कम इन खत्म करिए तो असी एक सिंगल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिदे ते सारे वो मैंबर्स ने जिन्होंने क्लब की पिछले 20-25 साल तो बहुत ज़्यादा सेवा की है या आने वाले टाइम से बहुत अच्छी सेवा करना चाहते हैं तो असी उन्होंने नाल खाने पीने के स्पेशली जिहड़े हैगे ने जिहड़ी कोई स्टॉक्स के विच कमी नहीं आई जिहड़ी अल्कोहल सी जिनी भी सी वो स्टॉक्स पूरे के पूरे है जी। इस पिछली टीम ने जो अपनी सब कमेटीज़ बनाई उन्होंने इस गल का खंडन किया एज ए कमेटी कि वो कोई किसी किस्म का घोटाला सी। हाँ जिहड़ी परचेजिज़ हैगियां उहदी एक पिछली कमेटी ने एक पॉलिसी बनाती है जिहदे नाल होर पारदर्शी हो जाएगा जी सारा कुछ। किसी भी मैंबर नूं कोई कह दे जिहड़े साडे जिहड़े कुछ मैंबर्स पहली बारी आके इलेक्शन लड़न की कोशिश कर रहे हैं विद उन्हां दी कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है क्लब नूं किसी नूं रोकिया नहीं गया। कई लोग तो कदे भी एग्जैक्टिव मैंबर भी नहीं बने इलेक्शन लड़न तो बावजूद भी वो सैकटरी वास्ते लड़ रहे हैं इस तो बड़ी डेमोक्रेसी की होगी। सत श्री अकाल जी मैं परमजीत लाली ते तुसी देख रहे हो डेली पोस्ट। अज असी मौजूद हाँ दुनिया के अपनी एक वक्री पहचान रखने वाला पटियाला रजिंद्रा जिमखाना महाराणी क्लब। दस दिए कि 19 अक्तूबर नूं इसे क्लब दीआं चोणां होण जा रहीआं ने जिस संबंधी साडे नाल क्लब के सीनियर मैंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गल करनगे उहनां नाल गल करांगे किवें चोणां करवा रहे हो ते की मकसद हैगा चोणां दा। डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद जी थोड़ा बहुत धन्यवाद। सर 19 अक्तूबर नूं इलेक्शन होण जा रही है क्लब दीआं सब तो पहलां बहुत बहुत भी मुबारक भी तुसी चंगी टीम चुनी है तो मोटिव की हैगा जी? थैंक यू। ए टीम तो मैंबर की होंगी है। देखो क्लब की हर साल इलेक्शन होंगी है तो बड़ी ही उस नाल शिद्दत नाल कंटेस्ट होंगी है। प्रॉब्लम कुछ साल ये हुई सी कि कुछ पोलिटिसाइज हो गई सी इलेक्शन तो इस करके ग्रुप गुटबाजी ग्रुपिज़म हो गया सी ते ग्रुप्स जोड़े हैं वो एक दूजे के उत्ते चार्जस काउंटर चार्जस तो क्लब का जो माहौल होंगे जो कि फ्रेंडशिप का गुडविल का माहौल है वो अफेक्ट हो रहा है दोस्तों फर्क पै रहा सी। तो असी फिर कुछ सीनियर मैंबर्स ने बैठ के सोचा भी ये सिचुएशन कंट्रोल किया जाए नहीं ये क्लब लिए अच्छा नहीं होएगा तो उस करके फिर जेड़े दो मेजर ग्रुप से उन्होंने बैठ के समझौता करा के ते असी एक सांझी टीम
फील्ड की है। सर थोड़ी गल कटांगा भी ग्रुप त बने भी कुछ मैंबर के करप्शन के भी आरोप लगे कुछ वाइन लैके भी जोड़े बने उस तो अलावा जोड़ा एक डेमोक्रेसी उसका कारण होने का भी कुछ इल्जाम लगे थे तो उपर। देखो इस तरह है कि इल्जामबाजी जी मैं थोड़ा दस रहा है ना इल्जामबाजी करनी बहुत आसान होंगी है जी वाइन की विस्की की बार की जो एक्विजिशन सी वो पूरी एक इनकुआरी कमेटी बनी उसने इनकुआरी कमेटी ने बड़ा क्लीयर वर्डिक्ट दिता कि उस कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। दूजा डेमोक्रेसी की गल तुसी कर दो भी डेमोक्रेसी खत्म डेमोक्रेसी तो इलेक्शन हो रही है तो डेमोक्रेसी किवें खत्म होगी। अलायंस ज अगर दो बंदे अलायंस करके इलेक्शन कट्ठे होकर लड़ना चाहते हैं तो उहदे नाल डेमोक्रेसी खत्म तो नहीं होंगी। NDA भी अलायंस है UPA भी अलायंस है अलायंस ही है ना जी। तो जो कट्ठे होकर इलेक्शन लड़ना है अपना एक सांझा प्रोग्राम लैके लोगों से जाना ये कोई अनडेमोक्रेटिक मैथड तो है नहीं ना। इलेक्शन एंड इलेक्शन प्रोसेस पूरी चल रहा है उसी तरह 8 सीटों पर इलेक्शन हो रही है 4 सीटों पर यूनैनिमिटी होगी। यूनैनिमिटी भी इज ऑलसो अ पार्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। एक साइड पर एक सीट पर एक बंदा खड़ गया दूजे पास कोई नहीं खड़ा तो फिर दैट इज़ ऑलसो इन इलेक्शन प्रोसेस ना। सो इस करके डेमोक्रेसी की जी गल करनी है वो तो मिसलीडिंग जो मर्जी तुम कही जाओ करी जाओ लोगों मिस गुमराह करने की कोशिश है अदरवाइज डेमोक्रेसी किवें मिसलीड हुई है। सर दो ग्रुप बने थे कोई कारण रहा होएगा ताई पहले दो ग्रुप बने थे उस तो बाद तुहाडी सोच ते डॉक्टर सुधीर वर्मा की एक चंगी सोच के सदका भी तुम एक फ्रेंड्स क्लब इकट्ठा बनाता जिसकी अगवाई दे विच हुण जिहड़ी इलेक्शन हो रही है की कहना चाहोगे। देखो इस तरह कि जदों भी कितें इलेक्शन होंदी है ना जी इनिशियली ग्रुपिज़म हो ही जाती है जी। उहदा रीज़न है कि इलेक्शन प्रोसेस इट सैल्फ ऐसी चीज़ है कि तुसी अपने दोस्तों ग्रुप करते हो फिर उन्होंने दोस्तों के दोस्त ग्रुप होंगे हो तो एक ग्रुप इधर बन जाता है दूजा ग्रुप इधर बन जाता तो उहदे नाल की हुंदा है कि इनिशियली तो चलता रहा बहुत अच्छा इट वॉज़ अ वेरी हैल्दी इलेक्शन प्रोसेस गोइंग ऑन एवरीवेयर। पर कुछ पिछले सालों 3-4 साल मैं कहाँगा कि कुछ जिहड़ी पोलिटिसाइजेशन है ना इलेक्शन की क्लब की क्योंकि हर साल इलेक्शन होनी है वो पोलिटिसाइजेशन ज़्यादा हो गई सी ग्रुपिज़म बहुत अग्रेसिव हो गया सी ते कुछ लोग सारे नहीं पर कुछ लोग इन्ने ज़्यादा अग्रेसिव हो गए सी उन्हां दी पर्सनल एंबिशन इन्निया ज़्यादा हो गई सी कि वो फिर झूठे सच्चे इल्ज़ाम लाते सी। हुण जे कोई सच्चाई होवे उन्हां इल्ज़ामां विच तां CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एडिट करते ने सारे वो करते ने ठीक है ना तो फिर वो गल्लां आ जांदियां ना जी। कोई ऐसी गल हुंदी तां इहदा पब्लिक पब्लिक प्लेस है इट वुड हैव इहदे लई तां फिर क्रिमिनल केसिस भी हो सकदे सीगे इह जी कोई गल होवे तो ऐसा कुछ है नहीं। उही मैं कह रहा ना कि पॉलिटिक्स दे विच जदों इलेक्शन हुंदी है उहदे नाल पॉलिटिक्स आउंदी है पॉलिटिक्स दे नाल फिर इल्ज़ामबाजी जी है ना क्लब एक वक्री पहचान रखता पूरी दुनिया। गल कहता सी कि इलेक्शन ते पॉलिटिक्स दे विच अगर पॉजिटिव गल्लां चलन तो उहदे च कोई किसी नूं इतराज़ नहीं पहला इदां ही हुंदा सी हर एक कैंडीडेट हर एक ग्रुप अपनी पॉजिटिव गल लैके आंदा सी भी असीं ये करांगे असीं ये करांगे किसी नूं कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जदों ये होण लग गया ना भी इन्होंने ये करता वो एक ये कह दिता दूजा कह दिता सी वो कोई अच्छी गल नहीं। डॉक्टर साहब इस क्लब की एक दुनिया के एक वक्री पहचान है रॉयल बंदे चंगी फैमिली के चंगे अक्षर वाले इस क्लब के मैंबर है तो पिछले ग्रुपिज़म होने कारण क्लब की कितने ना कि छवि खराब हो रही थी तो चंगे मैंबर की सोच सदका जोड़ा ग्रुपिज़म खत्म किया तो एक फ्रेंड्स क्लब बनाया जिसकी अगवाई के हूँ चोणा हो रही हैं फ्रेंडशिप ग्रुप सॉरी है ना तुम बनाया भी हूँ उन्होंने चोणा हो रही हैं तो हले भी कुछ मैंबर वालों भी थोड़ी जी है फ्रेंडशिप के अलग हो के चोणा लड़न का एक जरा लड़िया जा रही हैं उसके बारे की कहना चाहोगे। इस तो ही जाहिर होंगे भी डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई जी जेड़ा बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है किसी को रोकया नहीं गया। हाँ जो कोई किसी अपने बंदे ने जाके कहा भी मैनू सीट नहीं मिली तो मैं इलेक्शन लड़नी है तो वो कोई डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है उसनों जो समझाया गया कोई डेमोक्रेसी खत्म होने वाली गल नहीं। वो तो हुण जिहड़े रेबल्स खड़ते हैं पोलिटिकल पार्टियां हुण MLA दी इलेक्शन या MC दी इलेक्शन रेबल्स खड़ते हैं उन्होंने बिठाते ही हैं लोग तो इस करके असी तो किसी को बिठाया भी नहीं। तो सर एक इल्जाम काफ़ी लगते रहे भी जो भी काबज तीर होंगी है जो भी मोनोपली करते हैं भी लगातार उन्होंने ही हर बारी मौका मिलता सी पर पिछले इलेक्शन तो बाद
है ना, काफ़ी लोगों ने भी मौका मिलेगा। अगों वास्ते की कहना चाहते हो भी जो उम्मीदवार एक बार खड़ा हो जाते हैं उन्होंने हर बार वही चोन लड़नगे या कोई बाकी मैंबरों भी हक हैगा? साडी सोच ये है कि जेड़ा जिस ते असी काम करांगे कि जेड़ी टीम एक बारी आ जाती है 12 मैंबरों की अगली बारी वो रिपीट ना होए, तो जे वो रिपीट नहीं होंगी तो नैचुरली नवे बंदे आएंगे, ठीक है ना। सो एक साल का गैप हर एक इलेक्शन दे विच होना चाहिए, तो ये सोच लैके असी चले हैं। देखो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे तो वक्री गल है। टारगेट की है कि नवी टीम जी आ रही इलेक्शन टारगेट की है उन्होंने कि इवें अचीव करने पैणगे उन्होंने टारगेट क्लब की बेहतरी के लिए उरे परिवारक माहौल होर चंगा बनाने के लिए बच्चों के लिए जो प्लेग्राउंड है उसनों चंगा करने के लिए है ना। देखो क्लब च इंफ्रास्ट्रक्चर तो हूँ बहुत है साढ़े जी, इतने हूँ सर्विसिज मैंबरस इंप्रूव होनी चाहिए मैंबरस लई, इत्थे जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनिया होया उसनू मेंटेनेंस उहदी बड़ी हाई लैवल दी होनी चाहिए है। स्पोर्ट्स दा बहुत वड्डा अहम रोल है साडे क्लब च, उस च साडी ये सोच है कि कोचेज लगने चाहिए हैं, हर एक गेम दे कोच होने चाहिए हैं, हर एक जिहड़ा स्पोर्ट है उसनू हायर लैवल ते लैके जाइए, ठीक है। जिवें साडे जिवें स्विमिंग पूल है उसनू असीं अपग्रेड करना चाहांगे ताकि वो कुछ हायर लैवल पर चला जाए, ठीक है जी। फिर साढ़े जिहड़े टेनिस कोर्ट्स हैं उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश करांगे, साढ़े कोल बहुत अच्छा बैडमिंटन हॉल है पिछले साल उसनू असी अपग्रेड किया, टेनिस टेबल टेनिस है उन्हें अपग्रेड किया, जिम बहुत अच्छा अपग्रेड हो गया है हूँ साढ़ा। सो एंड मैंबर तकरीबन 400-500 मैंबर एवरी डे मॉर्निंग साढ़े स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आते हैं। तो डॉक्टर साहब एक पिछले काफ़ी समय से पार्किंग का काफ़ी इशू रहा है, उस तो अलावा जो मैंबरों को काफ़ी दिक्कत होंगी थी फूड का, जो किचन का है खाण पीन लैके भी काफ़ी दिक्कत आती, उन्होंने सुधारण के लिए कोई ठोस? पिछले साल की मैं गल करना, उस तो पहला यू आर राइट के फूड की कंप्लेंट सी, लेकिन पिछले साल फूड की कंप्लेंट नहीं हुई क्योंकि एक बहुत अच्छे केटर हैं क्लब 16 वाले, उन्होंने किया अच्छा काम किया, कोई फूड की मेजर कंप्लेंट नहीं है। पार्किंग का देखो पार्किंग लिमिटेड है, मैंबर्स ज़्यादा हो जाने हैं, साड़ी कोशिश ये होंगी है कि मैंबरस नू पार्किंग की स्पेस मिलनी चाहिए है, जेडे नॉन मैंबरस अगर कोई एज गैसट आने हैं वो अपनी गड्डियां बाहर पार्क करते हैं, सो उन्हां दी प्रॉब्लम है, मैंबरस नू जो आते हैं उन्होंने कोई पार्किंग की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इस तो अलावा असं चाहते हैं भी जिहड़ियां लेडीज़ हैं वो ज़्यादा तो ज़्यादा फुटफॉल होए उन्होंने, साडे तंबोला बहुत अच्छा चलता है वंस अ वीक। फिर असी बच्चों लिए एक बहुत अच्छा चिल्ड्रन पार्क डिवेलप किया, तुम्हें देखा होना इतने है, और बच्चे बड़े खुश हो के उत्थे काम करते हैं खेडते हैं, साढ़े दो लिफ्टां लगिया हुई हैं, एक लिफ्ट फर्स्ट टू सैकेंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर जाती है, दूजी लिफ्ट साढ़े गैसट हाउस हैगी है, सो बड़े अच्छे गैसट रूम्स है साढ़े को, सो इस करके इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्लब बहुत तरक्की की है ओवर द लास्ट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन मैंबर कौन एडमिनिस्ट्रेटिव सके, सारे ने पूरी अपनी कोशिश की है, सारे ने अच्छा काम किया है। जो उम्मीदवार जो इलेक्शन खड़े हुए हैं उन्होंने कोई टारगेट भी अचीव करना पैंदा है भी अपना कोई चंगा काम करना, जो भला जो कोई अच्छा काम करता है क्लब दोबारा भी सेवा करने का मौका मिले? एग्जैक्टली देखो जो कोई जित के आता है अगर वो लोगों के प्रति काम चंगा नहीं करेगा तो ओबियसली अगली बारी या जो भी वो दोबारा इलेक्शन लड़ेगा उन्होंने लोग नहीं चंगा समझेंगे। तो एक ये भी गल होंगी है कि कई बार कई कैंडीडेट्स इन्ना अच्छा काम करते हैं जित के उन्होंने लोग कहने तुम दोबारा आओ तुम दोबारा आओ, तो ये भी फैक्टर है। सो इस करके नैचुरली ये इंसेंटिव है जेडे जित के आएंगे उन्होंने कि वो अच्छा काम करेंगे तो लोगों च वाहवाही होगी। तुहाडे फ्रेंडशिप क्लब ने एक चंगे उम्मीदवार की जी है चोन करके उन्होंने मैदान उतारिया, पर कुछ मैदान जे आए हैं अलग लड़ रहे हैं आजाद तौर पर लड़ रहे हैं, की लगता है भी शरारत है किसी की या फिर? मैं ये नहीं कहता भी शरारत है, देखो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हर एक बंदे का राइट है इलेक्शन लिए खड़े होना इलेक्शन लिए लड़ना वोटा मंगना। हाँ ये गल जरूर तुसी इस बारी रियलाइज़ कर रहे होगे कि बिटरनेस नहीं है कैंपेन विच, साढ़े वाले भी उन्होंने खिलाफ़ नहीं बोल रहे, वो भी साढ़े खिलाफ साढ़े मैंबरस के खिलाफ नहीं बोल रहे, हाँ अपनी पॉजिटिव गल लैके कर रहे हैं। हाँ ये गल कह देना कुछ उन्होंने गल चलाई जा रही है भी जी डेमोक्रेसी खत्म करती अलायंस ने, ये तो गलत गल है, ये मैं इसनों एग्री नहीं करता, बैठ के डिबेट कर लैन कि डेमोक्रेसी किमें खत्म हुई है, जे डेमोक्रेसी अलायंस नाल खत्म होंगी है तो फिर इंडिया तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, UPA भी अलायंस है NDA भी अलायंस है, डेमोक्रेसी इंडिया सब तो वड्डी डेमोक्रेसी है ना जी, जे डेमोक्रेसी नहीं होंगी तो फिर डेमोक्रेसी तो इंडिया च किवें हो जाती है,
सो सिमिलरली साड़ी जिहड़ी वी अलायंस है उहदे च कोई डेमोक्रेसी खत्म होने वास्ते थोड़ी है, वो तो क्लब के हित वास्ते की। ये अलायंस पॉजिटिव सोच नाल कीती है। ये अलायंस का मतलब यह सीगा कि क्लब की जो माहौल है वह ठीक होए। इस अलायंस का मतलब यह सीगा कि बिटरनेस कटे। इस अलायंस का यह मतलब सीगा कि असी क्लब के प्रति रल के अच्छा काम कर सकीए और क्लब नू होर ऊंचाइयां ते लैके जाइए। दैट इज़ द एम ऑफ दिस अलायंस, नथिंग एल्स। पहला सर चोणा होंदिया सी क्लब दे विच, एक सियासी माहौल बन जांदा सी, काफ़ी लोग मतलब जिहड़े उम्मीदवार सी पैसा भी बड़ा खर्च करते सी, पर ऐसा हुण नहीं दिख रहा। एक चंगा शांति वाला परिवारक माहौल दिख रहा, उहदे लई की मैसेज देना चाहुंगा? देखो परसों नू इलैक्शन है, अगे जदों इस तरह दीआं इलैक्शनां हुंदीआं सी तां मेरे साथी उरे खड़े ने, ये वतराना साहब ने ते एपी गर्ग जी ने, एपी गर्ग जी सिटिंग ट्रेजरर ने, साढ़े उरे इस वेले दो दिन पहला तो मारो मारी हुई होंगी सी, ठीक है, लोग डिनर पार्टियां करते सी, सारा कुछ हुंदा सी, बड़ा लंबा एक कैंपेन चलती सी। तो यही एक फायदा होया ना जी, लोगों का पैसा बचया, क्लब का पैसा बचया, ठीक है ना। सो असी इन चीज़ों नू लैके ही ये सोच लैके इदा चले हैं। तो मैं समझदा भी जे इस सोच नू होर तगड़ा किया जाए तो क्लब के हित च है, क्लब के फायदे च। एक सर लास्ट सवाल हैगा भी, जिहड़ा शराब का इल्जाम लगते रहे, वाइन नू लैके इल्जाम लगते रहे, भी वह सिर्फ इल्जाम ही सी या हकीकत सी उहदे विच कुछ सामने आया निकल के? पहला भी दस्या सी कि एक प्रोपर इनकुआयरी कमेटी हुई बनी, उन्होंने प्रोपर इनकुआयरी की। ए पी गर्ग जी ये उस कमेटी के चेयरमैन सीगे, इन्होंने प्रोपर रिपोर्ट दिती है, प्रोपर वो रिपोर्ट एक्सैप्ट हुई है एग्जैक्टिव च, और उहदे च क्लीयर लिखा होया है कि वो इल्ज़ाम बिल्कुल गलत ने, बेबुनियाद ने, और कोई उन्हां च सच्चाई नहीं है। होर कुछ तुसीं मैसेज अपने मैंबरां नूं कुछ देना चाहो जी? मैं तो मैंबरां नूं यही कहांगा जी कि जो प्रोपेगेंडा इस अलायंस दे होण नाल, जो प्रोपेगेंडा इहदे अगेंस्ट हो रहा है वह बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी के हक च हो रही है जो भी हो रहा है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं। तो जे डेमोक्रेसी खत्म करने वास्ते होंदा अलायंस तो फिर इलैक्शन होंदिया ही ना, बिल्कुल उसी प्रोसेस नाल इलैक्शन हुई है, उसी तरह ही नॉमीनेशन हुई हैं, उसी तरह ही सिक्रूटनी हुई है, उसी तरह ही लिस्टा लगी हैं, उसी तरह ही कन्वेसिंग हो रही है। हाँ उदे च बिटरनेस नहीं है, उदे च लोगों ने अपनी जो सिविलाइज्ड वे है उदे नाल कन्वेसिंग की है। इट्स पॉजिटिव, इट्स ऑल इज़ पॉजिटिव, एंड इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लब, इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द मैंबर्स, एंड इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो तुसीं भी सुनिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जिन्हां ने पूरे विस्तार दे नाल चोणां नूं लैके साडे नाल खुल के गलबात की है। तो जो पिछले समय शराब नूं लैके वख-वख मैंबरां दे उपर इल्जाम लगे गए सी, करप्शन नूं लैके कई इल्जाम लगे सी कई लोगों से, चाहे दी किचन नूं लैके हुंदा सी, फूड दे खाने नूं लैके कुछ हुंदा सी, पार्किंग की समस्या सी, उन्हां हरेक गल का जवाब इन्हां ने निरपक्ष दिता है ते बिल्कुल समझदारी नाल जवाब दिता है। इस तों इलावा उन्होंने आख्या कि कुछ मैंबरां वल्लों जिहड़ा डेमोक्रेसी नूं घाण करन दी गल्लां आखी जा रही ने, वो सरासर झूठ ने। साडे नाल खास तौर पर डॉक्टर सुधीर वर्मा, जो कि फ्रेंडशिप क्लब के सीनियर मैंबर और सीनियर आगू ने, उन्होंने गल करते हैं भी चोणां नूं लैके माहौल किवें दा हैगा ते मैसेज की देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, और मेरे सारे दोस्त जो इस क्लब के बहुत ही रिस्पेक्टेड मैंबरस हैं उन्होंने भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा अभिनंदन। क्लब की इलैक्शन ऐतकी एक माइलस्टोन है क्लब की हिस्टरी, क्योंकि पहली बारी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त इकट्ठे एक मंच पर आए हैं जिन्होंने असं फ्रेंडशिप ग्रुप कहते हैं। कुछ समय तो इलैक्शन के थोड़ी तलखी ज़्यादा बढ़ गई सी, तो एक दूसरे के उत्ते थोड़ा छिटाकशी कुछ ज़्यादा सीगा, तो सारे असी पुराने मैंबरस ने सोचा कि इनू एक बारी फॉर ऑल टाइम्स टू कम इनू ख़त्म करिए। तो असी एक सिंगल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिदे ते सारे वो मैंबरस ने जिन्होंने क्लब की पिछले 20-25 साल तो बहुत ज़्यादा सेवा की है या आने वाले टाइम से बहुत अच्छी सेवा करना चाहते हैं। ये जिहड़े मैंबरस ने ये उही इलैक्शन आए ने जिन्होंने इसकी जिहड़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस जिहदे करके अज नॉर्थ इंडिया का बेस्ट क्लब मन्या जाता है उहदे विच शिरकत की। सर एक सवाल हैगा भी पिछले काफ़ी लंबे समय तो एक इल्जाम लगते थे भी इको जिहड़ी धिर हैगी इस क्लब ते काबज है, उस कब्जे नूं जिहड़ा तोड़न दी मनोपली तोड़न दे लई तुहाडे वल्लों एक ग्रुप अलग बनाया गया सी ते चोणां भी लड़ियां, काफ़ी तुहाडे जिहड़े मैंबर हैं उम्मीदवार जिते भी सी, उस तों बाद फ्रेंडशिप क्लब बनिया, की कारण मंदे हो जी? ये जिहड़ा फ्रेंडशिप ग्रुप है ना जी, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, इहदे च कोई इस तरह नहीं कोई गुडविल या कोई प्रोग्रेसिव ग्रुप नहीं रहे। वो कैंडीडेट्स नूं एक प्लेटफॉर्म सौंपना चाहते हैं असी जिहदे नाल क्लब जिहड़ा हमेशा वास्ते अच्छा चलता रहे। तलखी
बहुत ज़्यादा वध रही थी। तुम देखिए अब की इलैक्शन कोई तलख ही नहीं है, सारे का रिस्पैक्ट हो रहा है। वो एक ऐसे लैवल से चली गई सी जिदे सारे शहर के चर्चा का विषय बन गया कि क्लब की इलैक्शन है जी, पता नहीं कि लोग की करे किस तरह। सो उन्हू खत्म करने वास्ते जोड़ा प्लेटफॉर्म हैगा ये सारे वैल थिंकिंग पीपल जोड़े क्लब वास्ते बहुत अच्छा सोचते हैं, वो सिंगल प्लेटफॉर्म पर आए हैं और उ रेक्टिफिकेशनस करे कोई करैक्शनस करे जे क्लब दे बहुत अच्छे प्रोग्रेस का फ्यूचर देखिए। तो सर काफ़ी बयानबाजी भी हुई थी अलग अलग मैंबरों वालों, चाहे शराब के जोड़े घोटाले लैके है ना, कोई करप्शन के इल्जाम भी लगे थे भी शराब के घोटाला हैगा, भावें जोड़ा क्लब की किचन हैगा उसू खाना पीने अच्छे लैके भी जेडे जिन्हें भी इल्जाम लगे हैं वो असी उन्होंने मतलब खंडन करते हैं, क्योंकि पैरवाई तो बाद साड़ी कमिटीज़ ने देखा कि उधर कोई इस तरह का नहीं सीगा, कोई डिसीजनस हो सकते हैं जेडे कोई उस मौके दे उत्ते जो लते गए क्लब की बेहतरी वास्ते, तो असी उन्होंने नाल खाने पीने के एस्पेशली जेडे है जिहड़ी कोई स्टॉक्स के कमी नहीं आई, जिहड़ी अल्कोहल सी जिन्नी भी सी उहदे स्टॉक्स पूरे दे पूरे है जी। इस पिछली टीम ने जो अपनी सब कमेटीज़ बनाईया उन्होंने इस गल का खंडन किया एज ए कमेटी कि उहदे विच कोई किसी किस्म का घोटाला सी। हाँ जिहड़ी परचेजिज़ हैगियां उहदी एक पिछली कमेटी ने एक पॉलिसी बनाती है जिहदे नाल होर पारदर्शी हो जाएगा जी सारा कुछ। आपां करैक्शन वल जाना है, ना कि आपां फाइट नूं अगे वधाउणा है वो कि इस तरह होया उस तरह होया, इहदे नाल तां कोई अंत ही नहीं है जी, उहदे नाल तलखी होर वधी जाणी सी। उहनूं सारी नूं आपां यूनीफॉर्म तरीके नाल जे देखिए दोनों ग्रुप्स जिहड़े पुराने सीगे हुण फ्रेंडशिप दे प्लेटफॉर्म ते आ के उह सारियां चीज़ां नूं दूर करनगे, पारदर्शिता वधाउणगे। सर कई लोग इल्जाम लगा रहे हैं भी जिहड़ा लोकतंत्र दा घाण कीता जांदा है भी मनोपली हैगी है, सिर्फ अपने मैंबरों नूं मौका दिता जांदा है। अज दी घड़ी क्लब दी 8 सीटां दे उत्ते इलैक्शन हो रही है, किसी भी मैंबर नूं कोई कह दे जिहड़े साडे जिहड़े कुछ मैंबर पहली बार आके इलैक्शन लड़न की कोशिश कर रहे हैं विद उन्हां दी कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है क्लब नूं, किसी नूं रोकिया नहीं गया। कई लोग तो कदे भी एग्जैक्टिव मैंबर भी नहीं बने इलैक्शन लड़न तो बावजूद भी वो सैकटरी वास्ते लड़ रहे हैं, इस तो बड़ी डेमोक्रेसी की होएगी कि असी उन्होंने रोकया जी, किसी ने कोई आके कह दे कि जी उन्होंने कोई पेपर्स नू कोई असी टैंपर किया या कोई करना, जो सोच भी नहीं सकता साडा ग्रुप। असी उन्होंने पूरा मौका दिता कि वो इलैक्शन के शिरकत करन। एक जिहड़ा हैगा लोगों का कई लोग मैंबर मनते हैं या मिसगाइड कर रहे हैं कई मैंबरों नू भी जो एक बार पावर जाता हमेशा पावर उन्होंने को ही रहती है, उसके लिए की कहना? असी इंटरनल मैकेनिज़म बनाया जी, जिहड़ा फ्रेंडशिप ग्रुप है उन्होंने एक अपने इंटरनली ये डिसाइड कर लिया कि हर साल 12 के 12 मैंबर बदले जाएंगे। ये इंटरनल मैटर है, यू असी क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन च नहीं लिया सकते, पर जे लोगों के प्यार जो फ्रेंडशिप ग्रुप है मेजोरिटी रहा है और जेतू हों, चाहे असं तो चाहवे 12 की 12 सीटा तो ही जितते, जे वो जेतू भी होंगे तो अगले साल वो 12 बदलनगे। जेड़े कुछ लोग इंट्रस्ट लै रहे थे क्लब में उन्होंने क्लीयर कट किया गया से कि प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, तुसी अपना नाम लिखाओ। आज दी घड़ी बहुत अच्छे कैलीबर दे मैंबर नहीं आ रहे थे, क्योंकि इलैक्शन का प्रोसैस देख के पिछले 2-3 साल तो लोगों के मन हर्ट हो गए थे। एक बड़े अच्छे लॉयर है इतने, कोई बड़े अच्छे होर सीनू एग्जैक्टिव दे है जो आना चाहते हैं ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो कहें जी डॉक्टर साहब असं ऐसी इलैक्शन च नहीं पास। तुहाडी एक डॉक्टर सुधीर वर्मा बड़ा वड्डा नाम है, डॉक्टर सुधीर वर्मा डॉक्टर मनमोहन सिंह, तुहाडी एक चंगी सोच दे सदका फ्रेंडशिप क्लब बनया जिदे कारण कई जो उम्मीदवार है उन्होंने खर्चा रुकया, काफ़ी जो खर्चा नजायज़ होंदा सी उहदे उपर भी ठल पई है, तो क्लब का माहौल खराब होने तो भी बचा है। हाँ जी, तो उसको लैके तुम की कहना चाहोगे भी जो बच्चे कुछ लोग जो शरारती अंसर वालों खड़े किए गए भी तुम्हारी सहमति तो अलावा जोड़े? हाँ जी, मैं उन्होंने भी मतलब बेस्ट विशेज कहना जिन्होंने इलैक्शन कॉन्टेस्ट करनी है, लेकिन अज की घड़ी जो फ्रेंडशिप ग्रुप की सब तो बड़ी सक्सैस यह है कि ऐतकी इलैक्शन उस तरह की हुल्लड़बाजी पोस्टरबाजी एक्सपेंसिज रोक दिए गए ने। कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम समागम होंगे हैं, लोग अपना व्यू पॉइंट दसते हैं, आने वाले समय च जे ये साडा मंतव सक्सैसफुल हुंदा तो हो सकता है सर्वसम्मति नाल, जिवें अज असी सोच रहे सीगे कि पंचायत इलैक्शन जिथे सर्वसम्मति हुई है तो गवर्नमेंट ने होर उन्हें शलाघा दी है जी, 5 लाख रुपया दिता आप पढ़े ही है, तो ये जिहड़ी सर्वसम्मति है ये बनाना बहुत जरूरी है क्लब की तरक्की वास्ते। जे कोई मैंबर जिहड़ा उम्मीदवार चंगा काम करता है उन्हें दोबारा लियाओगे? हाँ जी, वो असी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो अगले साल 12 बंदे की नवी टीम आवे, क्योंकि साढ़े को बहुत कैंडीडेट्स हैं जिहड़े कि बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं क्लब वास्ते, तो असी उन्होंने एडजस्ट करते जावांगे जी। साल भर साल मतलब असी नहीं कंटिन्यू करना चाहते, असी एक साल के गैप के उत्ते उन्होंने फिर एडजस्ट कर देंगे जो अच्छा काम करते हैं। सो ये थी डॉक्टर सुधीर वर्मा जिन्होंने पूरी